आपको जय मसीह की। आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आपका स्वागत है और बहुत सारे जो है कॉलर्स जो है इस बात को पूछते हैं कि पास्टर जी के फिनेंशियल ब्लेसिंग्स कैसे जो है बहुत आयत से हमारे घर में आ सकती हैं। और हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, हम तो 25 सालों से जो है हम जो है यीशु मसीह को मानते आ रहे, तो हमारी फिनेंशियल ब्लेसिंग्स जो है क्यों इतनी अच्छी नहीं है। तो इसका आंसर जो है मैं आपको बाइबल में से देना चाहता हूँ। इसमें लिखा है जब हम पढ़ते हैं मलाकी उसका उसकी 8वीं आयत और उसकी मलाकी तीसरा 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं उसमें आंसर लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि भवन में भोजन वस्तुएं रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। देखिए नए नियम में जब हम स्टडी करते हैं कि हम क्यों चुने गए, हम आशीषों के वारिस होने के लिए चुने गए, यानी कि हम आशीषों स्वर्गीय भंडार की जो है हम वारिस हो गए, तो फिर हमारे पास फिनेंशियल ब्लेसिंग्स क्यों नहीं है? फिनेंशियल ब्लेसिंग्स हमारे पास बहुत आयत से हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, इस आज्ञा को कई बार जो है हम पूरा नहीं कर पाते, इस आज्ञा को जो है हम तोड़ते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं, तो उसकी वजह से जो है जो परमेश्वर की वचन का जो है निरादर होता है, उसको माना नहीं जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, घर पर श्राप पड़ता है, जो कि पुराने नियम में ही लिख दिया गया था, पुराने नियम में ही श्राप के बारे में लिख दिया गया था कि ऐसा करने से क्या होता है, परिवारों में श्राप आते हैं जो लोग दशमांश नहीं देते हैं। तो दशमांश जो है हमें उसमें फेथफुल रहना होता है। मैं आपको एक जो है एग्जांपल बताता हूँ कि एक जो 15 साल पहले की बात है, जब मैं विश्वास में नया नया आया, तो मेरे जो जिन्होंने मुझे आत्मिक जीवन में काफ़ी मदद की, उनकी फैमिली के बारे में उन्होंने बताया, जो मेरे स्पिरिचुअल जो ग्रोथ के लिए जो जिन्होंने मुझे मदद की, उन्होंने बताया कि उनके जो फादर हैं वो उन्होंने जो है मास्टर की हुई है और बहुत उन्होंने अच्छी अच्छी जगह जॉब की, और जॉब करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं बिज़नेस करूँगा, उन्होंने बिज़नेस की, लेकिन उनको किसी भी बिज़नेस में जो है फ़ायदा नहीं हुआ, सारे जितने भी उन्होंने बिज़नेस किए सब में उनको नुकसान हुआ, उनका बिज़नेस हर बारी नुकसान में गया, जबकि उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली हुई थी, मास्टर बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हुई थी अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स में उन्होंने मास्टर की हुई थी, उसके बावजूद भी उनका जो है बिज़नेस नहीं चला, और कभी कोई लेबर उनकी जो है मर जाया करती थी, कभी कोई जो है कोई अलग अलग प्रकार से नुकसान हो जाया करता था। और उन्हीं की वाइफ जो सिर्फ ग्रेजुएट थी और वो अपने दशमांश में फेथफुल थी, अपने दशमांश देने में चर्च में क्या थी, वो फेथफुल थी, और पहले जब उनकी जॉब लगी 6,000 रुपीज़ की जॉब लगी, उसके बाद बढ़ोतरी से बढ़ोतरी अपने दशमांश में वो फेथफुल रहे, 6,000 रुपये की जॉब की, कितना दशमांश हो गया 600 रुपये, और वो अपने दशमांश में लगातार फेथफुल रहे, होते उनका उनकी ब्रिटिश एम्बेसी में जो उनकी जॉब लगी, ब्रिटिश एम्बेसी में जो है फिर वो नर्स बनी, उसके बाद फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और ऐसे करते करते उनकी सैलरी 1-1.5 लाख रुपये भी क्रॉस कर गई। लेकिन उनके फादर की जो सैलरी, जब उनका कोई बिजनेस नहीं चला तो दोबारा से उन्होंने जॉब ज्वाइन की, तो उनकी सैलरी जो थी 10-12 हज़ार रुपये ही सैलरी थी, क्योंकि वो अपने दशमांश में फेथफुल नहीं थे। तो देखिए एक ही परिवार में दो जनों की जो है सैलरी जो है कितना फ़र्क है, जबकि जो व्यक्ति दशमांश दे रहा है उसकी सैलरी कितने 1-1.5 लाख रुपये भी क्रॉस हो गई, और जो दशमांश नहीं दे रहा है और वो इतना टैलेंटेड होते हुए भी, इतना स्किल्ड होते हुए भी, उसको जो है 10-12 हज़ार रुपये ही वो महीने का कमा पाते हैं, ये दशमांश देने की पावर है। तो आप अपने दशमांश में फेथफुल रहिए और सुपर ब्लेस्ड रहिए, और आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं आप अपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप पूछ सकते हैं, और आपके लिए प्रेयर की जाएगी। आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपके लिए प्रेयर की जाएगी, कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी फैमिली के लिए समस्या और परेशानी में प्रार्थना करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिखता है उस पर आप मैसेज भेजिए, आपके लिए प्रेयर की जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू।